पंजाब विधानसभा लई आउंदी 20 फरवरी नूं वोटां पैणगियां, परंतु पंजाब कांग्रेस अंदर पैदा होया कलेश होर मगदा जा रहा है। हुण कांग्रसी आगुआं वल्लों कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह नूं पार्टी विच्चों कढ़न दी मंग कीती जा रही है। इस संबंधी कांग्रसी विधायक नवतेज सिंह चीमा, बाबा हैनरी, बलविंदर सिंह धालीवाल अते सुखपाल सिंह खैरा ने सोनिया गांधी नूं इक पत्र लिखा है। पहलों देखी गए भी ना, पहलों तो टिकट अनाउंस हो जाए, टिकट अनाउंस होने तो बाद दो दिन देखते रहे भी हट जू शायद राणा गुरजीत सिंह जी मंत्री साहब साढ़े, पर इन्होंने जो शरेआम चैनलों से अनाउंस करता और इन्ना करता भी मेरा मुंडा उतों लड़ूगा भलत तो बंदे लोग साहब कि पार्टी भेजता कैप्टन साहब की, और फगवाड़े तो मान साहब न उधर भेजता आम आदमी च, होर भी हैनरी साहब के हल्के अखीर हार के सानू ये गल अखीर चुकनी पई, चिट्ठी लिखनी पई सोनिया गांधी जी ने भी ये दो चीज़ा नहीं चलनिया पार्टी, एक बंदे तो आप कांग्रेस पार्टी रह के मिनिस्टर रहीए तो पार्टी की टिकट भी लीए, तो दूसरा आप कह दीए भी दूजे पार्टी के कैंडीडेटा के खिलाफ आप बंदियां नूं इलैक्शन लड़ाई उन्होंने प्रमोट करिए और दूसरिया पार्टियां की मदद करिए, ये दो चीज़ा जिहड़ियां ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकदियां। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास आ, कांग्रेस पार्टी सब तो पुरानी पार्टी साडी जिहदा डिसिपलन जिहदे विच रह के डिसिपलन जिहड़ा वो पूरा रखना पैंदा, और पार्टी के प्रधान जिहड़े आ वो सुप्रीम हुंदे आ, उन्हां दी रहनुमाई हेठ ही जिहड़ा वो पूरा काम करना पैंदा, और ये नहीं भी आपां उन्हां दे प्रधान के खिलाफ ही बोली जाइए पार्टी दे विच रह के, जां कई हाई तो कमांड है ही नहीं गी, ये फिर चैलेंज आ सीधा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, नवजोत सिद्धू जी ने, ये जिहड़ा तां करके लैटर लिखी है, और ये जिहड़ा उन्होंने हुण दस्या गया हुण अगला जिहड़ा एक्शन वो हाई सच्चा कांग्रेसी तो तुसीं देख ही लिया जिहड़ा टीवी ते बयान दिता, ये हंकार बोल रहा जदों बंदे दा माड़ा समा अंत समा आउंदा ना उदों इदां दा हंकार सिर चढ़ जांदा, और उदों समझो भी समा नेड़े ही आ। अज जिहड़ा ये पार्टी का सीट जिते जितावे ये भी बड़ा हंकार सी ना, भी राणा गुरजीत सिंह का हार नहीं लिखी खडूर साहब तो लोगों ने कि हिसाब ना भजाया। इस पत्र विच उन्हां लिखिया कि कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत नूं कपूरथला तो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार ऐलान दिता है, परंतु वह फिर भी अपने पुत्र नूं सुल्तानपुर लोधी तो आजाद उम्मीदवार वजों चोण लड़ाना चाहते हैं, जबकि उत्थों कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा विधायक नवतेज सिंह चीमा नूं चोण मैदान विच उतार दिता है। उन्हां कैबिनेट मंत्री उत्ते आरोप लगाया कि इस तो पहला राणा गुरजीत नूं 218 च सरकार तो अस्तीफा देना पिया सी क्योंकि उन्हां उत्ते गैर कानूनी माइनिंग च शामिल होण दे आरोप लगे सन। कांग्रेसी आगुआं ने राणा गुरजीत उत्ते यह भी आरोप लगाया कि वह दुआबा खेतर विच सुल्तानपुर लोधी तो इलावा फगवाड़ा, भुलथ, जलंधर नॉर्थ अते बंगा आदि विधानसभा हलकियां अंदर भी दखलअंदाजी कर रहे ने। उन्होंने यह भी कहा कि राणा गुरजीत की सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल गूढ़ी मित्रता है। इस तो इलावा राणा गुरजीत सिंह पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते भी कई बार आरोप लगा चुके ने। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।